तो गाइस बात ये रहता है कि कुछ पैकेट्स लाइक कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, कुछ सर्विसेस ऐसे होते हैं ना जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे क्या होते हैं ना जनरेट होते हैं, और एप्लीकेशन लेयर पे ही चला सॉरी आगे जाके वो टीसीपी या यूडीपी को यूज करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ठीक है। बट कुछ सर्विसेस ऐसे भी होते हैं जो नेटवर्क लेयर से जनरेट होते हैं, और जो ट्रैफिक मेरे नेटवर्क लेयर से जनरेट होगा तो उनके लिए जो डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस है या फिर उस डेटा को अरेंज करने का प्रोसेस होता है, वो सारा का सारा चीज हमारे नेटवर्क लेयर में क्या होता है परफॉर्म किया जाता है। इवन अगर मैं यूडीपी की बात करूं, आपने अगर ट्रांसपोर्ट लेयर को अगर याद होगा तो यूडीपी के जो पैकेट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर में आते ही बस क्या होता है उस डेटा के ऊपर हम यूडीपी का हेडर टैग कर लेते हैं। बट यूडीपी में जो डेटा होते हैं उनका भी तो साइज हो सकता है ना एमटीयू साइज से ज्यादा हो, तो अगर इनकेस एमटीयू का साइज से यूडीपी का पैकेट अगर ज्यादा हुआ तो डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस कैसे होगा, उसका तो कोई भी जिक्र वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो हमने डिस्कस नहीं किए। तो वो सारे चीज हमारा कहाँ पे मैनेज होता है ना, हमारे नेटवर्क लेयर यानी कि हमारे लेयर थ्री में मैनेज किया जाता है। तो कैसे किया जाता है उस चीज को देखते हैं, ठीक है। योगेश कुछ पूछना चाहते हो? ओके तो सॉरी सर, ओके ओके कोई नहीं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस के लिए सेगमेंटेशन को परफॉर्म किया जाता है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं ना हमारे नेटवर्क लेयर में भी परफॉर्म करते हैं डेटा को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन के दौरान हम डेटा को क्या करते हैं स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हैं, और वहां पे जो स्मॉलर पीसेस हमें मिलता है उसका हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज क्या होता है क्या ना उस चीज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अगर यूडीपी का कोई डेटा है, अगर कोई डेटा यूडीपी से, ठीक है, तो वो वहां पे क्या करेगा यो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूडीपी हेडर को टैग करेगा और वहां पे सीधा आ जाएगा किस पे ना हमारे लेयर थ्री पे। लेयर थ्री पे आने के बाद जब डेटा मेरा आउटसोर्सिंग होगा होने के बाद वो वहां पे क्या करेगा एमटीयू को चेक करेगा। एमटीयू के अकॉर्डिंग अगर वो डेटा जो है जो यूडीपी से टैग होता हुआ आया है उसका लेंथ अगर एमटीयू से ज्यादा हुआ तो वहां पे वो क्या करेगा डेटा डिवाइडेशन प्रोसेस करेगा। तो वो प्रोसेस हमारा लेयर थ्री में परफॉर्म किया जाता है। तो अगर लेयर थ्री में परफॉर्म किया जाएगा तो उस प्रोसेस को यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फ्रेगमेंटेशन के बाद जो फ्रेगमेंट हमें मिलता है तो उसका लेंथ कितना होगा। तो लाइक इस पे देखोगे एमटीयू का मैंने आपको बताया था दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक होता है उसका हेडर, दूसरा होता है उसका क्या डेटा पार्ट। तो जो हेडर होता है ना वो हेडर यहाँ पे दो है, एक रहेगा हमारा यूडीपी हेडर, दूसरा रहेगा हमारा क्या आईपी हेडर। आईपी हेडर डिफॉल्ट साइज होता है 20 बाइट का और यूडीपी का होता है 8 बाइट का। 20 प्लस 8 कितना हुआ 28। तो 28 अगर मैं 1500 से अगर माइनस करूं तो मेरा डेटा कितने का बनेगा, मेरा डेटा बनेगा 28 माइनस करूं तो कितना होगा 1700। हां सर 1500 में से करना है ना माइनस। हां सॉरी 1500 से माइनस करना है। हाँ, तो 1472, ठीक है। तो ये मेरा क्या साइज रहेगा, मेरा डेटा का लेंथ रहेगा, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हमें फ्रेगमेंट मिलेगा उस फ्रेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है 1472 बाइट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सारे प्रोसेस होता है जब ये प्रोसेस हमारे किसमें होगा नेटवर्क लेयर में परफॉर्म किया जाएगा तो उनका इंफॉर्मेशन भी क्या होगा डेटा के ऊपर टैग होगा। तो वो डेटा के ऊपर टैग करने के लिए वो वहां पे क्या करता है स्पेसिफिक फॉर्मेट को यूज करता है, जिस फॉर्मेट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आईपी हेडर बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे आईपी हेडर बोलते हैं। और आईपी हेडर का लेंथ कितना है बाय डिफॉल्ट 20 बाइट होता है और कुछ केसेस में उसका लेंथ इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट तक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईपी हेडर हम डिस्कस किए हैं ये अकॉर्डिंग टू IPv4 है, ठीक है। तो IPv4 के अकॉर्डिंग जो हेडर फॉर्मेट है उस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। पहला जो हेडर आता है सॉरी पहला जो फील्ड आता है उसका वर्जन, वर्जन में वो ये बताता है कि जो आईपी एड्रेसिंग हम यूज कर रहे हैं तो वो उसका वर्जन क्या है। तो यहां पे मेरा IPv4 टैग होता हुआ जाता है। हेडर लेंथ, हेडर का साइज कितना है उसका इंफॉर्मेशन वो यहां पे हेडर लेंथ में टैग करके भेजता है। यहां पे एक
टाइप ऑफ सर्विस, इस टाइप ऑफ सर्विस ऑप्शन का बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो ये वहां पे क्या करता है एक्चुअली, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, जब डेटा कम्युनिकेशन होता है ना हमारे नेटवर्क के अंदर, तो उस नेटवर्क को, उस डेटा जो फ्लो होता है डेटा का, उस फ्लो को मैनेज करने के लिए हम खुद से कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो जो सारे कंडीशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे कंडीशंस आपके टाइप ऑफ सर्विस यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में होता है, जहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को इंप्लीमेंट करके हमारे अकॉर्डिंग डेटा को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। गाइस बस मैं 1 मिनट मार रहा हूं। देखिए तो यहां पे क्या होता है, टाइप ऑफ सर्विस के बाद आता है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ हमारा क्या स्पेसिफाई करता है, डेटा के साथ जब हेडर हमारा टैग होता है ना, उसका इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं यहां पे टोटल लेंथ में टैग करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, लाइक जो हम फ्रेगमेंटेशन करने के बाद वो जो डेटा होता है हमारे पास, जो फ्रैगमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे सेगमेंटेशन करने के बाद हमारे पास क्या मिलता था, सेगमेंट मिलता था। तो हर एक सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पे क्या करते थे, हम वहां पे एक प्रोसेस को परफॉर्म करते थे जिसको हम सीक्वेंसिंग बोलते थे, जो सेगमेंट्स को सीक्वेंशियली अरेंज और रीअरेंज करने के लिए हमें क्या करता था, हेल्प करता था। वैसे ही फ्रेगमेंटेशन के बाद वो एक टिपिकल आइडेंटिफायर्स को यूज करता है वो फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि वो वहां पे क्या करता है आइडेंटिफिकेशन फील्ड को यूज करता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आइडेंटिफिकेशन वो यूज करता है, उसका इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे फ्रैगमेंट ऑफसेट में क्या करता है, टैग करता है, ताकि अगले साइड में जब वो फ्रैगमेंट सिस्टम को रिसीव हो तो वो सिस्टम क्या कर सके, उस आइडेंटिफिकेशन को यूज करके वो फ्रैगमेंट्स को रीअसेंबल कर सके। ठीक है, बीच में यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, तीन होगा, एक होगा जीरो, दूसरा होता है हमारा डीएफ, तीसरा होता है हमारा एमएफ। जीरो होता है हमारा रिजर्व, और ये जो तीनों है ना, इन तीनों का हम बोलते हैं फ्लैग्स। जैसे वहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या था, ट्रांसपोर्ट लेयर में 6 फ्लैग्स थे, आइडेंटिफायर्स थे, जो वहां पे क्या करते थे, जो इंफॉर्मेशन हमारे डिवाइसेस के बीच में नेगोशिएट हो रहे थे, उस टास्क को प्रॉपरली प्रोसेस करने के लिए, उस प्रॉपरली मैनेज करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो क्या करते थे, कैरी करते थे। तो वैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में हम जो भी एक्शन लेंगे उन चीजों को लेके, उन चीजों को मैनेज करने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह के तीन फ्लैग्स में। पहला जो फ्लैग्स रहेगा वो रहेगा रिजर्व फ्लैग। डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट, ठीक है, डीएफ का मतलब होता है डोंट फ्रैगमेंट, और एमएफ का मतलब होता है मोर फ्रैगमेंट। गाइस ये जो फ्लैग्स होते हैं सिंगल बिट का होता है, तो सिंगल बिट का मतलब एक बिट पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, आइदर वो एक्टिव बिट हो सकता है नहीं तो वो डीएक्टिवेट बिट हो सकता है। एक्टिव बिट होगा तो वैल्यू क्या होगा, 1, डीएक्टिवेट होगा तो वैल्यू होगा 0, यहां पे भी सेम ही होगा 0 एंड 1। तो डोंट फ्रेगमेंट मतलब यहाँ पे ये कंडीशन क्या होता है ना, जब ट्रांसपोर्ट सॉरी हमारे जब नेटवर्क लेयर पे कोई डेटा आता है ना, तो वहां पे वो डेटा क्या करता है, एमटीयू साइज को कंपेयर करता है। तो कंपेयर करने के बाद अगर वो डेटा का साइज अकॉर्डिंग टू एमटीयू साइज अगर ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, वो डीएफ फ्लैग को यूज करता है पैकेट को फ्रैगमेंट करने के लिए। अगर यहां पे जीरो है, अगर यहां पे जीरो है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, फ्रैगमेंटेशन नॉट नीडेड, फ्रैगमेंटेशन नॉट नीडेड। अगर 1 हुआ तो वहां पे जाएगा फ्रैगमेंटेशन इज नीडेड।
यार एक मिनट, मैं थोड़ा गेट बंद करके आ जाता हूँ। हेलो हेलो, यस सर। तो यहाँ पे क्या रहता है, लाइक डीए फ्लैग अगर रहेगा, जीरो रहेगा, तो फ्रेगमेंटेशन कोई कोई नीड नहीं रहेगा, यानी कि वो डेटा जो है वो वैसे ही क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड होने के लिए रेडी है। जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है और उस साइज के अकॉर्डिंग वो डेटा क्या है, फिट है, यानी कि उससे मे बी इक्वल हो सकता है, मे बी कम हो सकता है। अगर वन लगा है तो इसका मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन वहां पे आपको क्या है, नीडेड है। मतलब वो जो डेटा का साइज है वो अकॉर्डिंग टू एमटीयू क्या है, ज्यादा है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। एमएफ बीट जो होता है, ये हमारा स्पेसिफिकली डेटा डिवाइडेशन को मैनेज करने के साथ साथ, एमएफ जो बीट होता है वो डेटा फ्लो को मैनेज करता है। मोर फ्रेगमेंट मतलब अगर यहाँ पे दो डिवाइसेस हैं, अगर इनके ऊपर डेटा हमारा डिवाइड हो रहा है, सॉरी डेटा हमारा फ्लो हो रहा है, तो वहां पे अगर एमएफ बीट होगा, लाइक ये अगर कोई पैकेट जा रहा है, अगर इसके ऊपर जीरो लगा है, इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में ये क्या है, लास्ट फ्रेगमेंट है, उसके बाद कोई फ्रेगमेंटेशन है, कोई और पैकेट आपको रिसीव नहीं होगा। तो जो एक्टिव सेशन आपने क्रिएट कर रखा है उसको क्या कर लो, टर्मिनेट कर लो, ठीक है। अगर ये पैकेट के ऊपर वन लगा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, इसके बाद भी आपको और फ्रेगमेंट्स रिसीव होंगे। तो जो यहाँ पे एक्टिव सेशन आपने बना कर रखे हो ना, उसको मेंटेन रखो, उसको टर्मिनेट मत करो। अभी डेटा फ्लो का जो प्रोसेस है वो एंड स्टेट पे नहीं आया है। तो इस तरह से डेटा डिवाइड करना और डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए यहाँ पे दो फ्लैग्स हम यूज करते हैं, वन इज द डोंट फ्रेगमेंट, सेकेंड वन इज द मोर फ्रेगमेंट। फ्लैग्स क्लियर है साहिल? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर है ठीक, थोड़ा थोड़ा कहाँ पे अटका, कंप्लीट कर लेते हैं, सर। ये थोड़ा थोड़ा पहले ही चीजों को पढ़ा क्लियर कर चलो। हाँ नहीं था ना, वो वैसा ही मॉडल वाली क्लासेस ली नहीं थी मैंने, वो तो ठीक IP4 ठीक पढ़ा था बस, उस वजह से हो रहा है। ठीक योगेश क्लियर यस है कि कहीं पे डाउट है, कि आपका भी थोड़ा थोड़ा? सर। हाँ सर, एक बार देख लूंगा तो उल्टेगा ठीक, चलो आगे सर। कंटिन्यू करते हैं। सर
हाँ जी मैंने पढ़ा था आईपी हैदर का सर वो लैंड 20 से 65 होता है सर, आई थिंक जो कौन 64 है। आईपी हेडर की लेंथ सर 20 बाइट से ले 60 बाइट। सा आईपी हेडर का जो लेंथ होता है वो 20 बाइट से 64 बाइट तक हो सकता है। क्योंकि सर जैसे 5 टोल्स में लेंथ दे रखी तो 60 20 यहाँ हो गया, और सर ऑप्शन का 40 बाइट्स तो 60 हो गया सर। नहीं, देखो यहाँ पे 20 बाइट जो रहता है वो डिफॉल्ट साइज रहता है, यानी कहाँ से कहाँ तक 1 2 3 4 5, ये 5 फील्ड उसका डिफॉल्ट है। यस सर। अगर जब वो ऑप्शन फील्ड को यूज करता है ना तो उस फील्ड के अंदर वो 40 बाइट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो 40 बाइट ये हेडर का साइज, एक अगर एक वहां पे एक्स्ट्रा फील्ड अगर ऐड होगा तो वो कितने बाइट का बनेगा, 4 बाइट का, कितना हुआ 44 बाइट। डिफॉल्ट जो हेडर का साइज है वो कितना है, 20 बाइट का है, तो कितना हुआ 44 + 20 कितना हुआ 64 बाइट। तो अगर उसका साइज वो करता है तो वो कितना तक जा सकता है, 64 बाइट तक जा सकता है। ठीक है, ओके सर। ओके। देखो उसके बाद होता है हमारा क्या, उसके आता है हमारा टाइम टू लिव, यानी कि टीटीएल। टीटीएल क्या होता है, ये हमारा स्पेसिफिकली एक लूप को अवॉइड करने का एक मैकेनिज्म है। आप बोल सकते हो कि सर लूप क्या है, लूप एक कंडीशन है। लाइक अगर कोई प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट पे वो स्टार्ट हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू होने के बाद उसका एंडिंग अगर बिल्कुल सेम ही पॉइंट पे हो रहा है ना, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लूप। ठीक है, और ये अगर हमारे डिवाइसेस के, जब हमारे डिवाइसेस के ऊपर डेटा फ्लो करता है तो कुछ टिपिकल कंडीशन के वजह से वहां पे क्या हो सकता है, लूप बन जाता है। कुछ एरर्स के वजह से लूप बन जाता है। अगर हमारे नेटवर्क के अंदर लूप बन गया तो वहां पे क्या होगा ना, हमारा जो डेटा शेयरिंग का टास्क है ना वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब रहेगा, यानी कि हम प्रॉपरली डिवाइसेस के ऊपर डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। तो उस एरर्स को मिटिगेट करने के लिए Layer 3 पे टीटीएल का एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था। टीटीएल में क्या होता है ना, वैल्यू वो वहां पे कैरी करता है, जो वैल्यू होता है हमारा 0 से लेकर 255 तक। और ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अगर मैं आप पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसका जो टीटीएल वैल्यू होता है वो होता है 128 का। और हमारा अगर मैं लिनक्स की बेस बात करूं, कोई भी अगर लिनक्स बेस्ड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ तो वहां पर उसका टीटीएल वैल्यू कितना रहता है, 64 रहता है। तो इसका मतलब क्या है ना, जब कोई पैकेट हमारा जनरेट होता है ना, अगर वो विंडोज से जनरेट होगा तो उसके ऊपर टीटीएल वैल्यू कितना लग जाएगा, 128 लग जाएगा। अगर वहां पे लिनक्स के थ्रू जनरेट हुआ तो वहां पे टीटीएल वैल्यू कितना लग जाएगा, 64 लग जाएगा। तो जब ये पैकेट नेटवर्क में ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल करने के साथ साथ वहां पे क्या करेगा, जब भी कोई Layer 3 डिवाइस को, यानी कि हम आगे जब डिवाइसेस के कैटेगोरिजेशन को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके हमारा राउटर हो गए या फिर फायरवॉल हो गया, तो जितने भी Layer 3 डिवाइसेस हुए स्पेसिफिकली राउटर्स को जब वो ट्रैफिक क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेगा, एक टिटल काउंट डिक्रीज कर देगा। लाइक मान लो ये मेरा राउटर है, यहाँ पे वो पैकेट रिसीव हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब वो पैकेट इस राउटर से आगे निकलेगा तो निकलने के साथ में वो क्या करेगा, एक काउंट टिटल का यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। तो डिक्रीज करते 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 अगर ये टिटल का वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। जिस पैकेट के ऊपर टिटल वैल्यू 0 है तो वो पैकेट मेरा क्या हो जाता है, एक इनवैलिड पैकेट हो जाता है। और इनवैलिड पैकेट कभी भी हमारे नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, वो खुद ही खुद को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इसके दौरान क्या हुआ ना, जो लूप हमारे नेटवर्क के डिवाइसेस के ऊपर बनने का चांसेस था वो क्या हो गया, मिटिगेट हो गया। अगर इन केस कहीं पे लूप बन गया तो पैकेट नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करके जब भी कोई क्या हो गया, Layer 3 डिवाइस को वो क्रॉस करेगा, टीटीएल वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करते 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 जब उसका अकाउंट 0 हो जाएगा तब वो खुद ही खुद को क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वहां पे लूप के थ्रू किसी तरीके के प्रॉब्लम्स हमें क्या नहीं मिलेगा, फेस करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है ना, टिटल वैल्यू काम करता है। बट अगर मैं इसको साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो आप काफी सारी इंफॉर्मेशन इस टिटल वैल्यू से गैदर कर सकते हो। ठीक है, वहां पे एक प्रोसेस होता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, जिसको हम बोलते हैं ओएस फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, ओएस के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसका बोलते हैं ओएस फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग के दौरान आप इजीली जान सकते हो टिटल के थ्रू कि आपका जो टारगेट सिस्टम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है।
ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पे छोटी से अगर एग्जांपल देखोगे, मैं अगर यहाँ पे पिंग करना चाहता हूँ, मैं अगर पिंग करना चाहता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं किसको पिंग करूँ, मैं अगर पिंग करना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को, microsoft.com, यहाँ पे पिंग नहीं होगा क्योंकि उसने डिनाई कर रखा होगा पिंग को। हाँ रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, ये पिंग नहीं करेगा, छोड़ो। मैं अगर यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, और कौन सा है, ओके क्रॉ को अगर पिंग करता हूँ, crow.in, रिप्लाई आ रहा है। तो गाइस जो रिप्लाई आ रहा है एक बार उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो डिटेल वैल्यू है वैल्यू कितना है, 44 है। और ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, आपको मैंने दो वैल्यू बताया था, एक है 128 जो विंडोज के लिए यूज होता है, दूसरा होता है हमारा 64, हमारा किसके लिए यूज होता है, लिनक्स बेस्ड जितने भी हमारे ओएस रहा उनके लिए यूज होता है। तो जो 54 है वो इन दोनों में से किसके नजदीकी वैल्यू है, 64 के। तो हम इजीली गैस कर सकते हैं क्रॉ का जो सर्वर रन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो हमारे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हो रहा है। लाइक उसका जो सर्वर है वो कोई लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है। तो आपका जो पॉइंट, आपका जो अटैकिंग फेज रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा, लिनक्स के हिसाब से रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इवन यहाँ पे और भी चीज आपको मिल सकता है, 54 64 डिफरेंस कितना हुआ, 10। तो आप इजीली गैस कर सकते, मतलब गैस कर सकते हो, मे बी हम मेरे डिवाइस से क्रॉक के सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए बीच में मुझे कितने डिवाइसेस को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, 10 डिवाइसेस को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। मतलब 10 डिवाइसेस को मेरा जो ट्रैफिक है मेरे सिस्टम से 10 डिवाइसेस को क्रॉस करने के बाद क्रॉक का जो टारगेट सर्वर है उसके साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरह से वेरियस इंफॉर्मेशन आप किससे निकाल सकते। बट गाइस यहाँ पे भी आपके साथ धोखा हो सकता है, धोखा इन द सेंस थोड़ा फनी हुआ है, मैं आपको बता थोड़ा वो मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ धोखा का मतलब क्या होता है। अगर मैं आप ना पिंग करूँ गूगल को, देखना रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई कहाँ से आ रहा है, 116 से आ रहा है। इसकी नजदीकी वैल्यू है 128 का नजदीकी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा, जो गूगल का सर्वर चल रहा है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा होगा, जो विंडोज का सर्वर एडिशन है मैं भी उसको यूज कर रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, गूगल जो सर्वर यूज करता है वो लिनक्स बेस्ड सर्वर ही होता है, बट वो मोडिफाइड है। गूगल अपने अकॉर्डिंग कुछ लिनक्स को मोडिफाई करके अपने खुद के ओएस बना रखा है और उसके सर्वर्स उसी पे ही क्या होता है, मैनेज होता है। तो ये भी आपको कई कई बार मिल सकता है, मतलब कुछ कंपनीज जिसके सिक्योरिटीज कुछ बहुत ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं, उनके ऑफिशियल जो साइट्स वगैरह होते हैं उनके इंफॉर्मेशन होता है, तो उस जगह पे आपको क्या मिल सकता है, वेरिएशंस मिल सकता है। बट ये आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता है। अगर अब आप फिंगरप्रिंटिंग में जाओगे तो वहां पे आपको और भी एडवांस टूल मिलेंगे जिनके थ्रू आप कंफर्म हो सकते हो कि जो टारगेट सिस्टम है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहा है, ठीक है। बट डिटेल आपको एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि टारगेट सिस्टम मेरा कौन सा ओएस को यूज कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे होता है आपका कौन सा है ना, आगे जो आपका आता है वो आता है आपका प्रोटोकॉल फील्ड। प्रोटोकॉल हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है हमारा सेट ऑफ रूल्स। लाइक हमारे डिवाइसेस के ऊपर हम कोई भी अगर टास्क परफॉर्म करते हैं ना, तो हर एक टास्क के लिए वहां पे स्पेसिफिक रूल्स को डिफाइन किया गया है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा सारा सारे डिवाइसेस हर एक टास्क को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मुझे रिलायबल कनेक्शन बनाना है तो वहां पर हम कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करेंगे, उसके लिए जो रूल्स है वो है टीसीपी का। अगर मुझे अनरिलायबल क्या करना है, अनरिलायबली डेटा को शेयर करना है, उसके लिए कौन सा रूल्स हमारे पास डिफाइंड है, वो है हमारा यूडीपी। तो इस तरह से अगर आप देखोगे इस प्रोटोकॉल फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट किया गया है, और यहाँ पे जितने सारे प्रोटोकॉल्स हैं उन सारे प्रोटोकॉल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहाँ पे कुछ लॉजिकल नंबर्स को यूज करते हैं। जैसे कि टीसीपी के लिए जो लॉजिकल नंबर हम यूज करते हैं वो होता है हमारा 6, और यूडीपी के लिए यूज होता है 17। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा ना तो फिर आपको कंफ्यूजन सी हो जाएगी। प्रोटोकॉल नंबर लिस्ट,
ये आपको छोड़ेगा आईएनएम में। तो यहाँ पे देखोगे जो प्रोटोकॉल नंबर 6 पे होगा वहां पे आपका देखना, ये देखो इस प्रोटोकॉल लिस्ट में जो पहला प्रोटोकॉल नंबर पे आता है वो रहता है हमारा आईसीएमपी। 6 पे अगर आप देखोगे आपको मिलेगा टीसीपी 1 2 3 4 ये रहा 6। और 17 पे अगर आप देखोगे ना तो वहां पे आपको प्रोटोकॉल मिलेगा यूडीपी ये रहा। तो ये तीन मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया है। आप चाहो तो उस प्रोटोकॉल लिस्ट को चेक करके उस चीज को कंफर्म कर सकते हो। ठीक है तो मैं यहाँ पे वही चीज बता रहा था, टीसीपी का 6 है, यूटीपी का 17 है, आईसीएमपी आगे जाके बताऊंगा उसका 1 है। तो ये जो सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो मैनेज कहाँ पे होते हैं ना, हमारे इस प्रोटोकॉल फील्ड से मैनेज होते हैं। उसके बाद होता है क्या हमारा हेडर चेकसम, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर में हेडर चेकसम होता है, वो क्या करता है डेटा का इंटीग्रिटी चेक करता है। यहाँ पे जो हेडर चेकसम है वो भी एग्जैक्टली क्या करता है, सेम इट परफॉर्म करता है, वो यहाँ पे इस पूरे डेटा का इंटीग्रिटी चेक करता है, इनके ऊपर हैशिंग एल्गोरिथम को रन करता है, वैल्यूज को क्या करता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके इस फील्ड में टैग करके अगले साइड के डिवाइस को भेजता है। अगले साइड का डिवाइस जब इस डेटा को इस पैकेट को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो वहां पे क्या करेगा डेटा में खुद से हैशिंग एल्गोरिथम को रन करने के बाद वो भी क्या करता है जो वैल्यू उसको मिलता है उसको हेक्साडेसिमल में वो कन्वर्ट करता है, और कन्वर्ट करने के बाद इस वैल्यू के साथ वो उसको कंपेयर करता है। दोनों वैल्यू कंपेयर हो जाने के बाद अगर वैल्यू सेम हो गया तो मतलब ये जो डेटा आया है उसने जो रिसीव किया है वो डेटा में सॉरी वो पैकेट में जो डेटा है वो मॉडिफाई नहीं किया गया है, वो डेटा आज इक्वल है। बट अगर वो वैल्यू मैच नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि वो डेटा में किसी ने मॉडिफिकेशन किए हैं और वो पैकेट को क्या करेगा डिस्कार्ड कर देगा। तो इस तरह से डेटा इंटीग्रिटी चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी समर किसके पास है, हेडर चेकसम के पास होता है। उसके बाद होता है उसका लॉजिकल एड्रेसिंग पार्ट, जहां पे वो खुद का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जिसके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है वो क्या करना चाहता है और उनके वैल्यूज को उनके आईपी एड्रेस को यहाँ पे टैग करके भेजता है। ठीक है उसके बाद होता है क्या हमारा ऑप्शन फील्ड। ऑप्शन फील्ड में क्या होता है लाइक देखो जैसे हमारे पास एमटीयू होता है ना मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, वैसे हमारे पास एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि हमारा डेटा का मिनिमम अमाउंट कितना होगा जिसके वजह से वो डेटा कैपेबल होगा आउटसोर्सिंग होने के लिए, उसका भी क्या है एक प्रॉपर वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड होता है। ठीक है तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग वहां पे क्या होगा, अगर कोई डेटा का साइज मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से अगर छोटा है तो वहां पे इस ऑप्शन फील्ड में एक प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा पैडिंग, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे डेटा पैडिंग। तो डेटा पैडिंग के थ्रू क्या होता है ना कुछ फॉल्स डेटा हम क्या करते हैं उस डेटा के ऊपर टैग कर देते हैं ताकि वो डेटा का साइज क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए और इंक्रीज होकर मिनिमम ट्रांसमिशन यूनिट से ज्यादा का हो जाए ताकि वो डेटा कैपेबल हो सके आउटसोर्सिंग होने के लिए। जब इस प्रोसेस को इस पर्टिकुलर फील्ड में परफॉर्म किया जाता है उस टाइम पे हेडर का साइज इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट तक हो सकता है। ठीक है लाइक डेटा पैडिंग प्रोसेस अगर आपको समझना है तो थोड़ा बहुत इस चीज को ध्यान भी दे दो अगर आपको याद होगा। चेकबुक होता है हमारे पास, अगर मान लो मुझे यहाँ पे कुछ इतने अमाउंट यहाँ पे मुझे लिखना है 10,000 मैंने लिख दिया, लिखने के बाद यहाँ पे क्या है स्पेस खाली है, अगर किसी ने यहाँ पे 111 लिख दिया तो या फिर और कोई अमाउंट लिख दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस जगह को एम्प्टी ना छोड़कर हम क्या करते हैं जीरो कर लेते हैं ताकि जगह फील भी हो जाए और वो वैल्यू यूजेबल ना हो। एग्जैक्टली सेम टास्क जब हम डेटा पैडिंग के दौरान उस मिनिमम डेटा के ऊपर क्या करते हैं डेटा पैडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है तो वहां पे क्या किया जाता है उस डेटा के ऊपर मिनिमम लाइक क्या बोलते हैं उसको वो जो डेटा ऐड होता है ना वो टोटली वैल्यूलेस डेटा होता है, बस सिंपली वो डेटा वो सॉरी वो वैल्यू इस वजह से ऐड होता है कि इसका जो साइज है ना वो बस इंक्रीज हो जाए ताकि वो आउटसोर्सिंग हो पाए। ठीक है तो इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जब हेडर साइज सॉरी जब वो डेटा पैडिंग प्रोसेस को परफॉर्म करता है ना तो यहाँ पे हेडर का साइज इंक्रीज होके अप टू 64 बाइट तक हो सकता है। ठीक है तो सो गाइस ये जो चीज था ये आपका आईपी हेडर का इंफॉर्मेशन था जो हमारे टीसीपी और आईपी मॉडल में नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें डाउट है किसी को, देख लो 2 मिनट का टाइम देता हूँ चेक कर लो, किसी को कुछ कहीं पे डाउट हुआ तो वो मुझे पूछ सकता है।
हेलो गाइस, डाउट है किसी को? हाँ जी, सर, हाँ आइडेंटिफिकेशन और फ्रेगमेंट ऑफसेट में सर प्रोलिफरेंस प्लेसमेंट डिफरेंस ये दोनों कि ही वो फ्रेगमेंट भी चेक आइडेंटिफिकेशन कर। में, हाँ आइडेंटिफिकेशन में जब वो फ्रेगमेंटेशन करेगा ना, तो वहां पे क्या होगा, डेटा मेरा डिवाइडेड हो जाएगा। तो डेटा जब डिवाइडेड हो जाएगा तो वहां पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड को भी स्पेशली यूज करता है कि वो डेटा के ऊपर वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को टैग कर सके, ताकि कौन से फ्रेगमेंट के बाद, लाइक कौन से डेटा के बाद कौन सा डेटा आएगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको क्या हो, आसानी हो, इस वजह से वो आइडेंटिफिकेशन फील्ड को यूज करता है। बट वो क्या वहां पे आइडेंटिफायर्स को यूज किया है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, उसका इंफॉर्मेशन वो फ्रैगमेंट ऑफसेट में क्या करता है, टैग करता है, ताकि रिसीविंग डिवाइस उसको क्या कर सके, फ्रैगमेंट ऑफसेट से उस इंफॉर्मेशन को फेच करके वो जो फ्रैगमेंट है उसको क्या कर सके, रीअरेंज कर सके। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। हेलो, सर और कुछ? और कुछ है? क्लियर हेलो सर, है सब कुछ यहां तक? यस चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम जो लेयर्स को डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा डेटा लिंक लेयर, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, सॉरी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया था हमारे नेटवर्क लेयर के बारे में, कि वो क्या था ना, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन यानी कि डेटा शेयरिंग के टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल रहता था। लाइक डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे नेटवर्क लेयर के थ्रू मैनेज होता था। बट यहाँ पे अगर मैं कंडीशन बताऊं, नेटवर्क का डेफिनेशन मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर मोर देन वन डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं तो वहां पे क्या होता है, एक नेटवर्क फॉर्म होता है। तो उस नेटवर्क को मैनेज कौन करेगा, तो उस नेटवर्क को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा किसका रहता है, डेटा लिंक लेयर का रहता है। लाइक विद इन अ नेटवर्क कोई भी डेटा शेयरिंग का प्रोसेस अगर परफॉर्म करते हैं तो उस डेटा शेयरिंग प्रोसेस को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा किसके पास रहेगा, डेटा लिंक लेयर के पास रहेगा। और इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा एलएलसी, एलएलसी स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर। दूसरा होता है हमारा मैक, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस एसेस कंट्रोल, ठीक है, सब लेयर। तो एलएलसी क्या करता है, समोसा क्या है हिमांशी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो, सॉरी, मैंने देखा नहीं था कि माइक ऑन है। ओके ओके, और भी कोई कोई कुछ बोल रहा था यहाँ पे? चलो देखो, तो एलएलसी वहां पे क्या करता है ना, एलएलसी का जो जो मेजर टास्क रहता है वो रहता है लॉजिकल कन्वर्जन। लाइक जो डेटा हमारे डिवाइस के पास, सॉरी, जो डिवाइस के अंदर हमारा डेटा रहता है वो हमारा किस हमारे बाइनरी फॉर्म में रहता है, ठीक है, बाइनरी यानी कि जीरो एंड वन फॉर्म में रहता है। बट अगर मैं डिवाइस को, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा को शेयर करना चाहता हूँ, तो डेटा शेयरिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, डिवाइसेस को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस अवेलेबल है। आइदर हम वहां पे वायर्स को यूज कर सकते हैं, नहीं तो वायरलेस जो होता है हम इनको भी यूज कर सकते हैं। अगर वायर को यूज करते हैं तो जो डेटा हमारा वायर के बीच में ट्रांसमिट करेगा तो वो मल्टीपल फॉर्म्स में हो सकता है। अगर हम वहां पे ट्विस्टेड पैर केबल्स को यूज करते हैं तो वहां पे कपर वायर यूज होता है, तो वहां पे जो डेटा जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा, जिसको हम रॉ बिट फॉर्म बोलते हैं। अगर वहां पे फाइबर ऑप्टिक्स को अगर हम यूज करते हैं तो डेटा हमारा कौन से फॉर्म में जाएगा, लाइट फॉर्म में जाएगा, तो उस फॉर्म को भी हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा ही बोलते हैं। या फिर वायरलेस में अगर अगर मैं बात करूं तो वहां पे डेटा जब ट्रांसमिट होगा वो रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो कोई भी मीडियम में डेटा का जो फॉर्म है और
हमारे डिवाइस के अंदर जब डेटा हम क्रिएट करते हैं फिर डेटा हमारा स्टोर रहता है, दोनों के जो फॉर्म होते हैं वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो डेटा जब इनसाइड से आउटसाइड के लिए जाता है तो वहां पे बाइनरी टू वो टिपिकल मीडियम का जो फॉर्मेट होता है उसमें जो कन्वर्जन प्रोसेस होगा, और वो डेटा उस मीडियम टाइप पे कन्वर्ट होने के बाद वो जब डेटा ट्रैवल करके दूसरे डिवाइस को रिसीव होगा, वो दूसरे डिवाइस उस डेटा को रिसीव करने के बाद वो मीडियम फॉर्मेट से जब दोबारा उसको क्या करेगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि मशीन उसको समझ सके। तो ये सारे कन्वर्जन और रिकन्वर्जन का जो प्रोसेस होता है वो मैनेज होता है हमारे किसके साथ, LLC के थ्रू मैनेज होता है, जिस वजह से इसका नाम क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, ठीक है। साथ में इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो वहां पे क्या करता है, मैक को यूज करता है। मैक हमारा क्या है ना, मैक हमारा यूज होता है हमारे डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल एड्रेस को डिफाइन करने के लिए। फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जैसे आईपी एड्रेस को हम वहां पे लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं तो मैक को हम वहां पे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। लाइक अगर मैं आप एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है योगेश। योगेश एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक ही पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वहां पे बहुत से मतलब ऐसे पर्सन होंगे होगा योगेश होगा। इवन मैं मेरा नाम ले जाता हूँ लक्ष्मीकांत, मेरा नाम लक्ष्मीकांत है, ठीक है। अगर आपने सुने होंगे बॉलीवुड में एक म्यूजिशियन थे, लाइक म्यूजिक डायरेक्टर थे, जिनका नाम था लक्ष्मीकांत पैरेलाल, तो मेरा नाम जो लक्ष्मीकांत है वो सिर्फ मेरा नाम, मतलब मैं उसको बस यूज नहीं कर रहा हूँ, वहां पे और भी पर्सन हो सकते हैं। तो जो नाम है मेरा क्या है, लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है। बट अगर कोई मुझे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना चाहता है तो वहां पे वो क्या करेगा, मेरे नाम के साथ मेरे फिजिकल एड्रेस को भी यूज करेगा, जहां पे मुझे बस लाइक उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पर्सन मिलेगा लक्ष्मीकांत के नाम पे वो बस क्या होगा, वो बस अकेला रहेगा, वो होगा मैं, ठीक है। तो वैसे ही आईपी एड्रेसेस क्या हो सकता है ना, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर सेम आईपी एड्रेसेस आपको मिल सकता है। तो आईपी एड्रेसेस के थ्रू कोई डिवाइस को आइडेंटिफाई करना क्वाइट इम्पॉसिबल है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, मैक को यूज करते हैं। मैक क्या है ना, मैक हमारे डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल एड्रेस यूज करता है, यानी कि कितने भी हम डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस हमारा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। वो डिवाइसेस कभी भी क्या नहीं होंगे, एक डिवाइस के ऊपर जो मैक एड्रेस रहेगा वो दूसरे डिवाइस के साथ कभी भी सेम नहीं होगा। तो मैक एड्रेस ही क्या करता है ना, हमारे डिवाइस को एक से दूसरे के साथ में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। और मैक एड्रेस जो होता है ये हमारा 48 बिट्स का होता है और ये हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में 48 बिट्स का जो वैल्यू हमारे डिवाइसेस के ऊपर हम यूज करते हैं, इसके लिए ना डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए उस प्रोसेस को हम फिजिकल एड्रेसिंग प्रोसेस बोलते हैं, और उस पर्टिकुलर टास्क के लिए हम क्या करते हैं, मैक एड्रेस को यूज करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। हेलो, यस सर। गाइस यहां तक डाउट है किसी को? नो सर। साहिल? नो सर, नो सर। प्रॉब्लम है। हेलो, हेलो सर। हाँ साहिल, डाउट है यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे ये जो टास्क परफॉर्म किया जाता है ना, तो ये टास्क को परफॉर्म करने के लिए वहां पे वो क्या करेगा, इनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जनरेट होगा उसको वो क्या करेगा, डेटा के साथ ऐड करेगा। तो यहाँ पे डेटा लिंक हेडर में भी क्या होता है ना, हमारे डेटा के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू, जिसको हम हेडर फॉर्मेट बोलते हैं, हमारे डेटा के ऊपर क्या करते हैं, टैग करते हैं। तो यहाँ पे जो हेडर फॉर्मेट टैग होता है, उस हेडर फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, इथरनेट हेडर फॉर्मेट बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो इथरनेट हेडर का साइज होता है वो कितने का होता है, 14 बाइट का होता है। लाइक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस, मैंने आपको बताया था मैक एड्रेस होता है वो कितने साइज का होता है, वो हमारे 48 बिट्स होता है। 48 बिट्स को अगर आप बाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना बाइट होगा, 6 बाइट होगा।
तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक के लिए 6 byte, सोर्स मैक के लिए 6 byte, और यहाँ पे एक टाइप फील्ड यूज होके जाता है जो हमारा 2 byte का होता है। और ये क्या डिफाइन करता है कि आगे जाके मेरा जो डेटा पैकेट है वो किसको यूज करेगा, IPv4 को यूज करेगा या IPv6 को यूज करेगा अपना लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से वो यहाँ पे क्या करता है, 2 byte को यूज करता है। तो ओवरऑल साइज उसका कितना हो गया, 14 byte। ये उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ना, हमारा डेटा रहेगा जिसका साइज 0 to 1500 byte का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, इंटीग्रिटी चेक होगा, और इंटीग्रिटी चेक करने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है, एक 4 byte का टेलर पार्ट भी यूज करता है, 4 byte का एक टेल पार्ट भी यूज करता है। और यहाँ पे जो 4 byte यहाँ पे ऐड होता है उसको हम बोलते हैं FCS, FCS stands for फ्रेम चेक सीक्वेंस, ठीक है। लाइक यहाँ पे वहां पे क्या होगा, लाइक डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो या फिर नेटवर्क लेयर पे, डेटा हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके स्मॉलर पीसेस में जाएगा। तो जब डेटा लिंक हेडर पे वो डेटा आता है ना, तो उस डेटा को हम यहाँ पे फ्रेम बोलते हैं, जिसपे लाइक जब वो सेगमेंट वन आफ्टर अनदर वो क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन को टैग करके आउटसोर्सिंग होने हो जाएगा, तो उस जगह पे FCS वहां पे क्या करता है ना, डेटा इंटीग्रिटी चेक करता है। और उस यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी चेक करने के लिए FCS वहां पे क्या करता है, एक प्रोसेस को परफॉर्म करता है जिसका होता है CRC, CRC stands for साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो वहां पे क्या करता है, हर एक सेगमेंट को, सॉरी हर एक फ्रेम को वहां पे क्या करता है, इंडिविजुअली चेक करता है कि उसमें इंटीग्रिटी है कि नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑली जो डेटा का साइज होता है ये हमारा कितने का होता है, 18 byte का होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी एक साइज और भी एक इंफॉर्मेशन टैग होता है, वो होता है हमारा 8 byte का, जहां पे दो फील्ड का इंफॉर्मेशन रहता है। ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है बट थोड़ा इसको समझ लो, फनी सा भी है। एक होता है हमारा SFD, दूसरा होता है हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो होता है ये हमारा कितने का होता है, 7 byte का होता है, और जो SFD होता है ये हमारा कितने का होता है, 1 byte का होता है। तो इन दोनों का काम क्या है, ओवरऑल इनका साइज कितना होता है, 8 byte का हो जाता है। तो इनका साइज क्या है ना, हम जब डिवाइसेस के ऊपर, सॉरी हम जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट रखते हैं ना, तो इस तरह क्या ड्राइव में जा हेलो कुछ बोल रहा है क्या सर, मेरे को ना क्लास लीव करनी पड़ेगी, वो नानी को थोड़ा डॉक्टर पे ले जाना था इमरजेंसी में, इस वजह से। कोई नहीं साहिल, अब लीव कर लो, ठीक सर। और कोई कुछ बोल रहा था यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे प्रीएम्बल और SFD का काम क्या है, लाइक हम जब डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट रखते हैं ना, तो वो डिवाइसेस कनेक्ट रहने के साथ ना वो हमेशा एक्टिव नहीं रहते। तो डिवाइसेस के ऊपर कनेक्ट रहने के बाद हम जब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ना, तब वो कनेक्शन क्या रहता है, एक्टिव रहता है। और कनेक्शन खत्म होने के बाद थोड़े टाइम तक वो लिंक मेरा क्या रहता है, एक्टिव रहता है। जब उसमें डेटा ट्रांसमिशन एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं होता है, तब वो पोर्ट वहां पे क्या हो जाता है ना, डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। तो वो पोर्ट अगर क्लोज होगा, अगर हम उस टाइम पे डेटा शेयरिंग करना चाहेंगे, तो वहां पे डेटा शेयरिंग टास्क को परफॉर्म करने के दौरान वहां पे क्या होगा, डेटा हमारा लॉस हो सकता है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा यहाँ पे प्रीएम्बल और SFD दोनों काम करते हैं। प्रीएम्बल है वो वहां पे क्या करेगा ना, डिवाइस टू डिवाइस कनेक्शन को चेक करता जाएगा कि लिंक जो है दोनों डिवाइस के ऊपर प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है। और SFD वहां पे क्या करेगा, SFD जो 1 byte का इंफॉर्मेशन है, अगर उसमें स्टार्टिंग अगर 1 है, तो इसका मतलब क्या है ना, डिवाइस को वो रिस्पॉन्स कोड भेजता है। तो ये है कि लाइक अब तुम एक्टिवेट हो जाओ, कोई इंफॉर्मेशन अभी आपको क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है, तो वो डिवाइस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोर्ट जो डीएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करेगा, और एक्टिवेट करने के बाद वो इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए कैपेबल बनता है। तो इस तरह की चीजें मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारे किसके पास रहता है, डेटा लिंक लेयर के पास रहता है, ठीक है। तो इस तरह से डेटा लिंक हेडर में क्या, सॉरी हमारे डेटा लिंक लेयर में क्या होता है ना, यहाँ पे 26 बाइट का इंफॉर्मेशन हमारे डेटा के ऊपर टैग होता है, ठीक है। और एंड में आता है हमारा फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर स्पेसिफिकली क्या होता है ना, फिजिकल लेयर
हमारे डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना और फिजिकल डिवाइसेस को प्रॉपर वे में अरेंज करना ताकि डिवाइसेस के ऊपर इंफॉर्मेशन का फ्लो प्रॉपरली मैनेज हो सके, उस टाइप के टास्क को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। और उस टाइप के टास्क के लिए वो वहां पे कुछ चीजों को यूज करता है, जैसे कि केबल्स हो गए, ठीक है। हमारे जो केबल्स होते हैं वो हमारे फिजिकल कंपोनेंट में आते हैं। अगर हमारे बात करूं तो हमारे डिवाइसेस के ऊपर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एक स्पेसिफिक सर्किट कार्ड हम यूज करते हैं जिसको हम NIC कार्ड बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो वो भी हमारे किस में आता है, फिजिकल लेयर में आता है। हमारे पास ब्रिज करके एक डिवाइस है, हब है। तो यहाँ पे ये सारे डिवाइसेस हैं जो हमारे किस में आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स में आते हैं, जहाँ पे फिजिकल लेयर के थ्रू हम इन सबको यूज करके नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं ताकि डिवाइसेस क्या हो सके, उनके ऊपर प्रॉपरली नेगोशिएट हो सके, ठीक है। गाइस यहाँ तक किसको डाउट है कुछ, योगेश, हिमांशी, सतीश? यस सर। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो देखो अब देखते हैं कुछ चीजें। यहाँ पे दो डिवाइस ले जाते हैं, सिस्टम ए सिस्टम बी, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। So guys, देखो तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दो सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। तो यहाँ पे अगर मैं सिस्टम ए से कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम बी के पास शेयर करना चाहता हूँ तो जो डेटा हमारा जनरेट होता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होता है। उसके बाद वो डेटा क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है उस डेटा का फॉर्मेट स्पेसिफाई होने के लिए। उसके बाद होता है सेशन लेयर, जहाँ पे सेशंस क्रिएट होते हैं ताकि डिवाइसेस अपने आप क्या कर सकते हैं, दोनों डिवाइसेस अपने बीच में डेटा को शेयर कर सके। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा ना, वो जो सेशन क्रिएट होता है वो सेशन रिलायबिलिटी डेटा को ट्रांसमिट करेगा और अनरिलायबिलिटी ट्रांसमिट करेगा, उसके लिए वहां पे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिसीजन लेता है। उसके बाद होता है हमारा नेटवर्क लेयर, जो वहां पे क्या करता है, हमारे डिवाइसेस के इंफॉर्मेशन के ऊपर लॉजिकल एड्रेसिंग टास्क को परफॉर्म करता है ताकि हमारा, और फिर प्रोटोकॉल को सेट करता है ताकि हमारे डिवाइसेस क्या कर सके, प्रॉपरली उस प्रोटोकॉल के उन रूल्स के अकॉर्डिंग डेटा को अपने बीच में शेयर कर सके। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर वहां पे क्या करता है, डेटा लिंक लेयर हमारे डिवाइसेस के ऊपर, सॉरी हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर फिजिकल वैल्यू टैग करके ये कंफर्म करता है कि वो पैकेट एग्जैक्टली कौन से डिवाइस को शेयर होगा, यानी कि रिसीव होगा। और फिजिकल लेयर वहां पे क्या करता है, हमारे डिवाइसेस के ऊपर फिजिकल कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का टास्क परफॉर्म करेगा। तो उस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे, एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट होने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर पे उस डेटा के ऊपर क्या होता है, ए स्पेसिफिक फॉर्मेट टैग हो जाता है, ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टैग हो जाता है, जो हमारा उस पर्टिकुलर डेटा जो हमने एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट किया था वो डेटा कौन से फॉर्मेट का है, कौन से टाइप का है, उस चीज को वो क्या करता है, डिफाइन करता है। उसके बाद होता है हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करता है, सेशन लेयर पे सेशन ID जनरेट होकर उस डेटा के ऊपर टैग हो जाता है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि जो डिवाइसेस हैं वो अपने बीच में कितने टाइम तक कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर का इंफॉर्मेशन क्या होता है, टैग होता है, ताकि डिवाइसेस के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन का टास्क प्रॉपरली मैनेज हो सके। उसके बाद होता है नेटवर्क लेयर, जहां पे क्या होता है, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP यानी कि लॉजिकल एड्रेसिंग का टास्क परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद होता है डेटा लिंक लेयर, जहां पे डेटा के ऊपर फिजिकल एड्रेसिंग परफॉर्म किया जाता है, और फिजिकल लेयर पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहता है जो वहां पे क्या कर सकता है, लिंक के अकॉर्डिंग यानी कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, डेटा को ट्रांसमिट कर सके। तो यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस करोगे,
डेटा एप्लीकेशन लेयर पे जनरेट होने के बाद जब फिजिकल प्रेजेंटेशन लेयर पे जाता है ना, उसके बाद से क्या होता जाता है, डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कोट होता हुआ जाता है, और जो कोट करने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और सेम ही प्रोसेस जब यहाँ पे डेटा यहाँ से निकलने के बाद जब अगले साइड सिस्टम को रिसीव होता है, तो फिजिकल लेयर क्या करेगा, फिजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। तो फिजिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करने के बाद वो क्या करेगा, फिजिकल हेडर को हटा देगा। डेटा लिंक लेयर पे पहुंचने के बाद डेटा लिंक लेयर अपना इंफॉर्मेशन को रख के पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। नेटवर्क लेयर अपना इंफॉर्मेशन को रखेगा और पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर अपना इंफॉर्मेशन रखेगा और पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। सेशन लेयर पे सेशन आईडी को वो वहां पे क्या करेगा, कैरी करने के बाद पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। और प्रेजेंटेशन लेयर पे फॉर्मेट वो क्या करेगा, ऑलरेडी डिफाइन करके भेजा होगा, तो फॉर्मेट वहां पे आइडेंटिफाई होने के बाद एप्लीकेशन लेयर पे जाके वो डेटा क्या हो जाएगा, यूजर के सामने सक्सेसफुली प्रेजेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रैपिंग का प्रोसेस चलता था और यहाँ पे उस सारे इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, अनरैप हो रहा है, यानी कि ओपन होता हुआ जा रहा है, डिकैप्सुलेशन। और ये एनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होता है, मैनेज किया जाता है, ठीक है। उस पर अगर एक चीज अगर आप देखोगे तो प्रेजेंटेशन लेयर पे और भी एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा एनक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन। तो अगर प्रेजेंटेशन लेयर के बाद अगर आप कंसीडर करोगे, हर एक जगह पे डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे क्या होता है, चेकसम वैल्यू को स्पेसिफाई किया गया है, जहां पे वो डेटा का इंटीग्रिटी चेक करने का टास्क परफॉर्म करता है। और सेम ही वैल्यू जब अगले साइड हेलो सर, साउंड नहीं आ रहा है आपका। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो, यस सर, यहाँ पे आपका TCP/IP और OSI मॉडल कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे?
हिमांशी, सतीश, योगेश, दो सर। ओके, मैंने आपको एक स्टार्टिंग के टाइम मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था ओएसआई मॉडल को लेके, ठीक है? उस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करना, ठीक है?